हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बकचोद प्रोग्रामर में। तो आज हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम रहेगा और हमारे चैनल पे पहला प्रोग्राम है। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करते हैं अपना हेडर फाइल जो कि है इंक्लूड stdio.h। यह हेडर फाइल है जो कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड उसके बाद हम लोग दूसरा हेडर फाइल भी लगाएंगे जो कि है इंक्लूड congratulation। इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, जो कि कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी डिफिनेशन इस हेडर फाइल में होती है, इसलिए हम लोग इस हेडर फाइल को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन बनाने से पहले ध्यान रखिएगा कि मेन फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, इसलिए हम लोग को इसके आगे वॉइड लगा दें। इस तरह से यह फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और हमें हमारे प्रोग्राम में कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस और इसके बाद जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे, स्टेटमेंट होंगे, सारे के सारे इस कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाएंगे। तो हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं मैसेज प्रिंट कराने का। तो हम लोग सिंपल सा एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि है प्रिंटर फंक्शन का यूज़ करता है कोई भी मैसेज डिस्प्ले पर प्रिंट करने के लिए। एंड प्रिंटर फंक्शन लिखने के बाद हम लोग लगाते हैं ब्रेसेस एंड डबल इनवर्टेड कामा। उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा के अंदर जो भी हम अपना मैसेज लिखेंगे वो सारा डिस्प्ले पर प्रिंट होगा। तो चलिए हम लोग अपना मैसेज लिखते हैं। यह हो गया हमारा मैसेज। एंड इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्टेटमेंट हम लोग को लिखने के बाद उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं ताकि यह स्टेटमेंट यहीं पर ब्रेक हो जाए और हमारे प्रोग्राम में कोई वार्निंग ना आए और एरर ना आए। इसके बाद हम लोग इसको अगर अभी कंपाइल एंड रन कराएंगे तो हमें एक प्रॉब्लम आएगी कि यह हमारा जो प्रोग्राम है वो डिस्प्ले पर होल्ड नहीं होगा और ये इतनी फास्ट होगा कि हम लोग को दिखेगा भी नहीं इसका रिजल्ट क्या आया है। तो जैसे मैं आपको चला के यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कंपाइल पे और यहाँ पे हमने किया कंपाइल, दो इधर आ रहा है और कहाँ पे इधर है, यहाँ पर एरर है, मैंने कुछ यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर रहेगा stdio.h। एंड इसके बाद हम लोग कंपाइल करते हैं। यहाँ पे हमारे जीरो इधर है, मतलब कि प्रोग्राम हमारा सही है। एंड इसके बाद चलिए रन कराते हैं। जैसे ही देखिए हम जैसे ही हम लोग रन कराएंगे यह प्रोसेस इतनी फास्ट होगा और हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले पे होल्ड नहीं होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि रिजल्ट आया क्या है। तो जैसे हम रन कराएंगे ये देखिए इतनी फास्ट हुआ कि हमें पता तक नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। तो ये अपना रिजल्ट देखने के लिए हम लोग एक इसमें और फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि है getch। यह getch हमारी हेल्प करता है स्क्रीन को होल्ड रखने में।
एंड इसके बाद अगर हम अपना कंपाइल करते हैं सबसे पहले ये देखने के लिए कि हमारा कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे जीरो एरर जीरो वार्निंग। अब इसको हम रन कराते हैं, जैसे ही रन हम लोग रन कराएंगे तभी आप देखिएगा कि हमारा जो मैसेज है वो डिस्प्ले पर प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा जो मैसेज है वो डिस्प्ले प्रिंट हो चुका है, लेकिन इसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही कि हमारा मैसेज जो है वो दो बार प्रिंट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक बार पहले जो रन कराया था उसका रिजल्ट और जो इस बार रन किया है इसका रिजल्ट दोनों एक साथ शो हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई क्लियर स्क्रीन करने के लिए कोई फंक्शन नहीं यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमें पुराने रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग इसमें एक और फंक्शन यूज करेंगे जो कि है CLR SCR। यह एक फंक्शन होता है जो कि प्रीवियस रिजल्ट को क्लियर करता है। तो जैसा कि अब हम रन कराएंगे तुम्हारा जो मैसेज है सिर्फ वही प्रिंट होगा और बाकी पिछले रिजल्ट वो डिलीट हो जाएंगे। तो यह था हमारा वीडियो और यह ख़त्म हो गया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और कुछ सीख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।